अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम बना रहे हैं कानपुर स्टाइल और राजस्थान स्टाइल दही बड़े। तो चलिए कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। चलिए दही बड़े के लिए सबसे पहले हमने दाल ले लिए हैं। तो ये मैंने एक कप व्हाइट वाली उड़द की दाल ले ली है। तो इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया, फिर छन्नी से छान के अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है। तो हमने धो के दाल ले ली है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। 2 हरी मिर्ची डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हाँ, अगर आपके पास अदरक है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, पर मैंने हींग डाल दी, उससे जरूरत नहीं है अदरक। इसे बारीक पीस के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमें इसे अच्छे से बारीक पीस लिए, 2-3 चम्मच पानी डाल के पीसा है क्योंकि ये पीस नहीं रहा था। तो आप 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको पीस लीजिए और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिए और 1 चम्मच भर के ना आप इसमें चावल का आटा डालिए। चावल का आटा डालने से ना ये जो मेन हमारा दही बड़े का जो वड़ा बनता है ना बहुत अच्छा बनता है। तो 1 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फेंटना है लेकिन एक ही डायरेक्शन में, मतलब ऐसे फेंटूँ तो मैं ऐसे ही फेंटूंगी, इधर इधर नहीं करूँगी, बस ऐसे ऐसे करके इसको फेंटते रहना आपको। देखिए एक ही डायरेक्शन में फेंट के मैंने इसको 5 मिनट फेंट लिया है और एकदम अच्छे से देखिए ऐसा रहेगा थिकनेस के, ये गिरेगा नहीं चम्मच से, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा है ना बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छे से इसे फेंट लेंगे और तेल गरम चढ़ा दिया हमने। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, इधर तेल भी गरम हो रहा है। और आज की ये जो मेरी रेसिपी है ना, ये मैंने मेरे मम्मी और पापा के हिसाब से बनाई है। मेरे मम्मी कानपुर के हैं और मेरे पापा राजस्थानी हैं। तो मैंने क्या किया है ना, आज दही वड़ा बनाया लेकिन 2 अलग अलग स्टाइल में। जैसे वड़ा सेम रहेगा, दही सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे करूंगी मैं कि आधा कानपुर स्टाइल में दही वड़ा तैयार कर दूंगी और आधा राजस्थानी स्टाइल में। और आप भी देखिएगा, आप भी बना सकते, एकदम ईजी है। हम लोग मारवाड़ी हैं तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन मम्मी के हिसाब से थोड़ा सा मम्मी का अभी मन रख लेती हूँ। देखिए तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया, मैंने गैस को स्लो करी हूँ। अब छोटे छोटे वड़े निकालेंगे। दही वड़े के वड़े ना छोटे छोटे ही बनाइए तो बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, इसका आप मेंदू वड़ा भी तैयार कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। तो मैं थोड़े बच्चों लोग के लिए मेंदू वड़ा भी बना दूंगी, थोड़े मेरे दही बड़े बना लेंगे। देखिए इसे गोल्डन फ्राई करना है और ये खुद ही ना तैर के ऊपर आ जाते हैं, मतलब हम जब डालते हैं ना, मैं इस बार आपको दिखाती हूँ, ऐसे गोल्डन हो जाए ना तो आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा आवाज आ रही है माशाल्लाह। चावल का आटा डाल देते हैं ना अगर इसमें हम लोग 1 चम्मच, तो इससे ना क्रिस्पी बनते हैं। तो आप चावल का आटा ना जरूर डालिए, अच्छे बनते हैं। चलिए अब दूसरा बैच फ्राई करते हैं। चलिए दूसरा बैच चालू कर देते हैं, डाल दिए डालना। देखिए डाल दिए हैं, अब थोड़ा 2 मिनट हो गया है तो आपको धीरे धीरे निकालेंगे, खुद ही देखिए ऊपर आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ऊपर आ गए। अब इन्हें पलट लेंगे और धीमे धीमे आंच पे होने देंगे। देखिए माशाल्लाह एकदम गोल्डन फ्राई हो गए, अब निकाल लेंगे। ये बच्चे मेरे को भी निकाल लेते हैं। चलिए ये तो तैयार हो गए हमारे दही बड़े के बड़े। अब मैं थोड़े से बच्चों को खाने के लिए अलग बना लेती हूँ। देखिए 1 कप डाल के पूरे वड़े निकाल लिए हमने। अब हम इसमें पानी में से डाल देंगे, ठंडे हो गए हैं, जब ये ठंडे हो जाए ना जब से आप पानी डालिए, गरम गरम मत डालिए। अब इसे पानी में डाल के हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए 2 चम्मच तेल गरम चढ़ा है, उसमें 1/4 चम्मच राई डाल दिए हैं और 2 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। डंडी के साथ ही डालिए, थोड़ा दिखने में अच्छी लगती है। बस आप गैस बंद कर देंगे, तैयार है हमारा
ये बंगार जाएगी हमारे राजस्थानी दही बड़े में। सबसे पहले ना हम राजस्थानी दही बड़ा असेंबल करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले दही ले लेंगे। ये घर की जमाई हुई दही है, अच्छे से इसे फेंटेंगे और दही के अंदर ना नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, दही को अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि राजस्थानी जो दही बड़े होते हैं ना उसके अंदर दही पतली होती है, और थोड़ी सी ना लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। नमक डाल दिए थे, चलिए अभी हमारी दही तैयार हो गई है। चलिए अब ये बड़े ले लेंगे, इनको निचोड़ के और प्लेट में सजाएंगे। ये देखिए अच्छे से सजा लेंगे हम लोग। ये देखिए डैडी, ये राजस्थानी स्टाइल दही बड़े मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो आप अभी तो देख लीजिए, इंशाल्लाह मैं कभी वहां पे भी आपको पवई में बना के खिलाऊंगी। चलिए अभी ये हो गया हमारा, अब ये मिर्ची वाला जो दही है हमारा तो ये डाल देंगे इसके ऊपर। और ये इसके ऊपर कच्ची प्याज डालेंगे। ये दही बड़ा आप बना के देखिएगा, सही में आपको मजा ही आ जाएगा। ये जैसे चटपटा खाते हैं ना, ये वो दही बड़ा है। और ये हमारी बंगार है जो थोड़ी गर्म है और थोड़ी ठंडी है, तो वो डालेंगे हम इसके ऊपर। चलिए अब इसे रख देते हैं हम साइड में और बनाते हैं मेरी मम्मी के लिए कानपुर के दही बड़े। सबसे पहले हमने दही ले लिए हैं, अब इसके अंदर एक चम्मच शक्कर डालेंगे और शक्कर वाली दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर घुला लेंगे मिक्स करके और दही को भी अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है, प्लेटिंग कर रहे हैं हम लोग। दही में शक्कर घुल गई है और इधर वड़ों का पानी निकाल निकाल के वड़े सेट कर लेंगे। और आपने मेरा पानी पूड़ी का और कचौरी का व्लॉग तो देखे ही होंगे, तो पानी पूड़ी के व्लॉग में जो आपने देखे मीठी चटनी वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और जो कचौरी में आपने मेरी हरी चटनी देखी रेसिपी वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप मेरे व्लॉग में देख के बना सकते हैं। तो सबसे पहले वही दही हमने वड़े कर लिया, अब इसमें ये मीठी दही डालेंगे हम। इसमें दही जाड़ी रहेगी, राजस्थानी वाले में दही पतली रहेगी और ये वाले में दही जाड़ी रहेगी। अच्छे से दही डाल देंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारी चटनी डालेंगे। मम्मी ये मैं आपके लिए बना रही हूँ, अभी देख लीजिए, इंशाल्लाह कभी मैं आपको भी वहाँ पे पवई में आके आपको भी बना के खिलाऊंगी दही बड़े। तीखी और मीठी चटनी डाल दी हम लोगों ने इसमें, तक इसमें भी हम चाट मसाला डालेंगे। तैयार है हमारे, अब इसके ऊपर बारीक सेव डालिए, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए नहीं तो मत डालिए। तैयार है हमारे कानपुर स्टाइल दही बड़े। तो देखिए तैयार है हमारे राजस्थानी स्टाइल और कानपुर स्टाइल दही बड़े। अल्लाह लीजिए, देखिए तैयार है हमारे कानपुर स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल दही बड़े। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।